नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS की संपूर्ण ज्ञान में। और इस पे आप NCERT पैटर्न पे आधारित बिहार बोर्ड के मैथ का अध्ययन करते हैं। और ये कक्षा 6 है, अध्याय 2 है, इसका ये एक्सरसाइज है 2.5। इसमें देखेंगे संख्या रेखा पर गुणन, यानी गुणा करना हम कैसे सीखेंगे संख्या रेखा पर। इससे पहले हमने ऐड करना सीखा है संख्या रेखा पे, इससे पहले हमने व्यवकलन घटाव सब्ट्रैक्शन सीखा है संख्या रेखा पे। आज इसमें देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें, गुना कैसे करते हैं टाइम लाइन पे। ये संख्या रेखा पर हम गुना कैसे करते हैं, सपोज दैट अगर आपके पास 3x5 या फिर 5x3 तो आता है आपका 15। लेकिन ये होता कैसे है, तो पहले इस वाले को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि 3 इकाई को एक साथ लेके 5 टाइम्स चलना है, यानी 1 2 3। तो 1 2 3 ये एक इकाई हो गया, फिर 1 2 3 ये एक इकाई हो गया, और फिर 1 2 3 ये एक इकाई हो गया। क्या कह रहा है, 3 इकाई को 5 टाइम्स करना है, तो 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। तो ये क्या हो गया टोटल, अगर इसको ऐसे कर दें तो 2 3 4 और ये 5। तो ये 3 यूनिट्स का 5 टाइम जब आप टाइम लाइन पे आगे जाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। यानी इसको आप गुना करते हैं तो आप 15 प्राप्त करते हैं। अब इसी चीज को अगर आप इस प्रोसेस से समझना चाहें तो इससे भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि 5 यूनिट्स को 3 टाइम्स आप जो है टाइम लाइन पे चलाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये एक यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 ये एक यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 और ये एक यूनिट हो गया। तो जब हम 5 इकाइज को 3 टाइम्स फॉरवर्ड करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, 15 पे। आप किसी भी मल्टीपल को इस टाइम लाइन पे इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज अगर आप ये तो 15 है तो इसी के अंडर में हमको रहना होगा, तो अगर हम कहते हैं कि 7x2 तो 7x2 7 यूनिट्स लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये एक यूनिट हो गया 7 का। एक लेना है कितना, 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो फिर से 7। अब कहां पे आ गए, 14 पे, तो 7x2 कितना हो गया, 14। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम गुना करते हैं टाइम लाइन पे। हमको जितना से गुना करना होता है उतनी इकाई को उतनी बार हम टाइम लाइन पे आगे लेके जाएंगे। ये मल्टीपल है तो इसमें तो जैसे हम इससे अधिक का मल्टीपल करेंगे तो हमको टाइम लाइन भी तो चाहिए उतना, तो उतना इस पे देखे और करने से भी कोई फायदा नहीं है, मगर आपको समझना है। अगर आप कहते हैं कि 2x6 तो 2x6 कहने का मतलब है कि एक यूनिट में 1 2, तो ये जो यूनिट है इस 2 इकाई को 6 टाइम इस टाइम लाइन पे इस संख्या रेखा पे आपको फॉरवर्ड करना है। कैसे करना है देखिए, ये 1 और 2 तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6 टाइम तो कहां आ गए, 12 पे आ गए। समझ में आ गया, इस तरह से हम गुना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम
टाइमलाइन पे गुना को करते हैं और गुना करने का क्या प्रोसेसिंग है टाइमलाइन पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इस चैनल पे जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब में आप जाके सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।